हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज कैलेंडर चैप्टर का जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उससे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बारे में आपको जानकारी मैं अवेलेबल कराने जा रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कंपटीशन की परीक्षा जो हो रही है उसमें कैलेंडर चैप्टर का जो है माने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और हर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन श्योर ही रहता है। और यह ऐसा लेसन है, इसमें बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट जो है प्रॉब्लम महसूस करते हैं और इसके शुरू से लेकर अंत तक पहुंचने का इसका डीप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका इस लेसन में डीप नॉलेज बढ़े, डेप्थ बढ़े। और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? तो 29 तारीख जो है 400 साल में क्या बार आएगा? ऐसे आप जानते होंगे जो है लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर में जो है फरवरी 29 दिन का होता है और जितना भी महीना है उसमें तो 29 आना ही आना है। तो सवाल है 400 ईयर में जैसे लीप वर्ष कितना होगा? लीप वर्ष आपका हो जाएगा जैसे 24 और 25, यानी 97 आएगा। 100 साल में जो है 100 साल में लीप ईयर जो है 24 होगा, फिर 101 से 200 साल में फिर 24 आएगा, फिर और जब 300 से 400 साल में जाएंगे तो उसमें जो है 400 हमारा लीप ईयर है। तो इस तरह हमें याद रखना है, 100 ईयर में लीप ईयर आपका हो जाएगा 4-8 से लेकर 96 तक, मतलब हो जाएगा टोटल संख्या 24 हो जाएगा। उसी तरह से 101-102 से लेकर आपका जैसे ऐसे ही जो है 200 ईयर तक में जो लीप ईयर आएगा जैसे 104-108 इस तरह से ये चला जाएगा, 196 तक चला जाएगा, इसमें भी आएगा 24। इसी तरह आप निकाल लेंगे 200 से 300 में तो 97। अब सवाल है एक साल में 29 तारीख 11 बार आएगी, जैसे जनवरी में आएगा, फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च अप्रैल मई जून इस तरह से जो है, तो 400 साल में 29 तारीख हो जाएगा 400 × 11, 4400 बार। तो ऐसा ही आ गया, फरवरी छोड़ने के बाद आ गया 4400 बार आ गया 29 तारीख। तो सवाल है और 97, मैं यहाँ लिखा हूँ 400 ईयर में लीप वर्ष कितना आएगा, 97। तो इस तरह से टोटल जो आएगा, टोटल 29 तारीख आएगी 4400 + 97, तो 4497 बार जो है 29 तारीख आएगी लगातार 400 साल में। तो इसका जो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि 1 जनवरी 2004 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? तो सवाल है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जैसे 1 जनवरी 2004 को यहाँ दिया हुआ है, रविवार दिया हुआ है
और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा। जैसा कि 2004 है तो या इसवी जो है चार से कट जाएगा तो या लीप वर्ष है, या जो 2004 है या लीप ईयर है और या लीप ईयर होने के कारण इसमें 366 दिन होगा। 366 दिन होगा तो उसमें 1 जनवरी 1 दिन का क्लियरेंस आ गया तो 366 इसमें होगा टोटल 366 होगा डेज। तो 1 दिन तो क्लियर हो गया, बचा मेरे पास कितना 365, उसमें 1 जनवरी 1 दिन घटा दिए। अब 7 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 दूना हो जाएगा 14, शेष 1 आया ऑड डे आया, 1 ऑड डे आया। तो यहाँ रविवार है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो 1 बढ़ेगा, मतलब हो जाएगा रविवार प्लस 1 बराबर सोमवार। और ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, लीप ईयर जो होता है अगर सोमवार को स्टार्ट हुआ तो वह मंगलवार को उसका लास्ट दिन होगा, अगर मंगलवार को स्टार्ट हुआ है लीप ईयर तो वह बुधवार को अंत हो जाएगा, यह याद रखें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया। तो सवाल है, हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे, 1989 में यह किस दिन मनाया गया, तो हम लोग सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे, जैसा कि हम लोग जानते हैं 15 अगस्त के दिन जो है इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो मतलब 15 अगस्त जो रहा होगा 1988 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह रहा होगा ये बुधवार, और हमें जाना है 15 अगस्त 1989। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है, सॉरी यहाँ 88 है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह जो है यह लीप ईयर है, यह लीप ईयर है और यह आपका जनरल ईयर है। तो याद रखना है आपको कि ये जो है मार्च से लेके दिसंबर तक, जब लीप ईयर से हम जनरल ईयर में जाएंगे, मार्च से दिसंबर तक रहेगा तो हम लोग उसमें प्लस 1 करते हैं, तो प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर क्या है, बुधवार है, 1 बढ़ेंगे। अगर हालात इसका उल्टा होगा, अगर 1989 से 88 में जाएंगे तो 1 घट जाएगा। तो याद रखना है, अगर यहीं पर रहता जनवरी फरवरी तो प्लस 2 होता। जैसे अगर हम लोग लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे और जनवरी फरवरी मंथ रहेगा तो यहाँ जो है प्लस 2 बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा दिन है, बुधवार है, तो यहाँ हो जाएगा बुधवार प्लस 1 = बृहस्पति वार। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था। तो हम लोग अब सॉल्यूशन के लिए जाएंगे, और इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन पर आने से पहले मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जब हम लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे और मार्च से लेकर दिसंबर तक, मार्च अप्रैल मई जून,
तो यहाँ जो है एक बढ़ता है, अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में मैं लिखा था, तो अब हमारा जो है यहाँ पर कह रहा है 15 सितंबर 2008, यहाँ पर क्या दे रहा है, शुक्रवार। और पूछा, और एक बात ध्यान रखना है, जो तारीख यहाँ रहेगा वही तारीख आपको यहाँ मिलना चाहिए, ठीक, तारीख में अंतर नहीं होना चाहिए। 15 सितंबर है तो आपको डायरेक्ट अब आना है, 15 सितंबर में चलाना है और 2009। तो ये देखिए आपका लीप ईयर है और यह आपका जनरल ईयर है, तो यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो एक बढ़ेगा, शुक्रवार है तो यह हो जाएगा शुक्रवार प्लस वन इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका आंसर आएगा शनिवार। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च है 1, 2008 को शनिवार था, मार्च 1, 2002 को कौन सा दिन था। तो हम लोग जो है अब जाएंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखिए हमें 8 के बारे में दिया हुआ है और 2002 में हमें जो है यानी कि आगे का दिया, हमको बैक साइड का आना है, तो हम लोग जो है इसमें उल्टा क्रम चलना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधा मूव करेंगे और जितना प्लस आएगा उसको माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। और एक जानकारी आप याद रखें, जैसे अगर आप जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे जनवरी से दिसंबर तक, इधर जाएंगे तो एक बढ़ेगा और इधर आएंगे तो एक घटेगा। और अगर आप जैसे जनरल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो यहाँ प्लस एक बढ़ेगा जब जनवरी फरवरी रहेगा, जनरल ईयर से जब लीप ईयर में जाएंगे मार्च से दिसंबर तक जो है दो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे तो जनवरी और फरवरी रहेगा, तो आपको याद रखना है प्लस टू करना है। और लीप ईयर से जनरल ईयर में जब जाएंगे मार्च से दिसंबर तक तो आपको प्लस वन होना है। इसी तरह अगर इधर जाएंगे आप, तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्लस करना है, बैक आएंगे तो आपको माइनस, इसी को ध्यान में रखना है। तो हम 2002 से 8 तक पहुंचते हैं। अब देखिए, अब 1 मार्च 2002 है, इससे हम चले जाएंगे 2003 में, फिर चले जाएंगे 2004 में, फिर चले जाएंगे 5 में, फिर चले जाएंगे 6 में, फिर चले जाएंगे 7 में और फिर चले जाएंगे 8 में। तो सवाल है कि ये जो है 2002 से जा रहे, ये तो जनरल ईयर है, प्लस वन होगा। अब हम जा रहे हैं 3 से 4। अब देखिए जनरल ईयर से हम जा रहे हैं लीप ईयर में, तो जब जनरल से लीप में जाएंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस टू होगा। देखिए यहाँ लिखा है जनरल से जब लीप में जाएंगे प्लस टू होता है। अब हम जा रहे हैं लीप ईयर से जनरल ईयर में, तो जब लीप से जनरल में जाएंगे मार्च से दिसंबर, देखिए प्लस वन, यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे प्लस वन हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं कहाँ, 4 से 5 आएगा, 5 से 6 में जाएंगे तो जनरल जनरल है तो प्लस वन होगा, 6 से 7 जाएंगे फिर होगा प्लस वन, लेकिन फिर हम 7 से 8 में जा रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं जनरल से लीप ईयर। तो जनरल से लीप में देखिए, जनरल से लीप में यहाँ जो है मार्च से दिसंबर में क्या आ रहा है, प्लस टू। तो कितना प्लस आया, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 7, 1, 8 आया। तो अब जब उल्टा हमको आना है ना, हमें तो इधर से इधर आना है, तो हमें हो जाएगा अब कौन सा दिन है, शनिवार। शनिवार में अब हो जाएगा -8, तो अब हो जाएगा शनिवार, इसमें आप 8 में भाग दे दीजिए 7 से, तो शेष जो है 1 बचा, -1 कर दीजिए
जो ऑड होता है, जहाँ सात से ऊपर आता है, हम उसमें सात से भाग देते हैं। तो आठ में सात से भाग दिए तो एक आ गया, शनिवार में एक घटा देंगे तो शनिवार में एक जब घटेगा तो हो जाएगा शुक्रवार। तो हमारा जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।